हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, फिजिक्स पिनाकल। तो हमने सेल्स आर इन सीरीज एंड सेल्स आर इन पैरेलल पढ़ा, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल पढ़े लास्ट लेक्चर में। अभी उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ध्यान देना। मैं समझाऊंगा आपको प्रॉब्लम सिंपल, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी देखो, एक कंसेप्ट बताता हूँ, आप मुझे बताओ सेल का कॉम्बिनेशन क्या रहता है। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर रहता है, उसके नीचे आपका प्लस माइनस ई रहता है, और उसके साथ सीरीज में क्या रहता है बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। और आपको पता है ये पॉइंट ए रहता है, ये पॉइंट ई रहता है, क्लियर है। और करंट कैसे जाता है, निगेटिव टू पॉजिटिव जाता, तो करंट निगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे रेजिस्टेंस है पॉजिटिव टू निगेटिव। वोल्टेज क्या रहेगा स्मॉल आर के अक्रॉस, I into क्या रहेगा स्मॉल r। तो देखो VA माइनस VB मैंने लिखा था, फर्स्ट वोल्टेज क्या लिखा था पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या लिखा था निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या लिखा था पॉजिटिव, और लास्ट माइनस VB इज इक्वल टू जीरो। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR, सिंपल सा है। अभी देखो सर, आपने ऐसे गए, आप ऐसे क्यों नहीं गए, तो जा सकते थे। देखिए अभी देखो, करंट ऐसे गया कि नहीं, करंट कैसे जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव। मैं यहाँ पे वोल्टेज V मानता हूँ, एक्चुअली I इनटू कैपिटल R भी लिख सकते हो, लेकिन V मान लेते। तो चलो बताओ क्या रहेगा, फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब निगेटिव, और लास्ट वोल्टेज निगेटिव इज इक्वल टू जीरो। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना आया, वी। यार ये तो बहुत अच्छा मिला, तो वी ए माइनस वी बी मिला ई माइनस आई आर, तो यहाँ पे वी ए माइनस वी बी वी मिला भाई, दोनों को इक्वल कर लेते तो क्या हो जाएगा बताइए, वी इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई आर, याद रहेगा। और आपको करंट की वैल्यू पता है, करंट आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पता है क्या नहीं पता है, क्लियर है। I की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E माइनस, I की वैल्यू रखो E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r, E कॉमन निकालो ब्रैकेट में रहता 1 माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। चलो सॉल्व करो, V इज इक्वल टू E इनटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r कैंसिल, तो V is equal to E into R divided by capital R plus small r। तो सर क्या इतना कचरा लिखना पड़ेगा? नहीं, इतना कचरा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपको सिंपल वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला पता है क्या? नहीं, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला याद है? अभी मुझे बताओ इसके अक्रॉस में वोल्टेज है V, तो बोलो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला क्या आएगा, V is equal to, बोलो बोलो, V is equal to E into capital R divided by capital R plus small r। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्टली लिखना, बोलो V इज इक्वल टू, बोलो E इनटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और एक बात, V मतलब ही VA माइनस VB है, वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल रहता है, याद रहेगा। बोलो फॉर्मूला और एक बार, V इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, याद रहेगा, ठीक है, मिटाओ इस फॉर्मूले को। देन इस प्रॉब्लम की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया, अभी फॉर्मूला बनाया था, क्या था बताइए, V इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यहाँ भी क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, मतलब वी ए माइनस वी बी, या भी कितना दिया है 12, कैपिटल आर की वैल्यू 3, ये फर्स्ट कंडीशन। बाद में अगेन बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इफ वी इज इक्वल टू 16 कैपिटल आर इज 8, मतलब दो दिया, वी की वैल्यू पहले कितना दिया है 12, आर की वैल्यू दिया है 3 इनटू ई डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्मॉल r, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बताइए क्या दिया है, 16 इज इक्वल टू बताइए 8 इनटू ई डिवाइडेड बाय 8 प्लस स्मॉल r, फाइंड क्या करने के लिए बोला है बताइए, ई और स्मॉल r फाइंड करने के लिए बोला है। तो कुछ नहीं, ई और स्मॉल r दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 16 बाय 12, सेकंड बाय फर्स्ट करना हमेशा, 16 बाय 12 इज इक्वल टू 8 ई डिवाइडेड बाय 8 प्लस r, क्लियर है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3 ई डिवाइडेड बाय 3 प्लस r। आपको पता है a बाय, मैंने पढ़ा था a बाय b बाय c बाय d क्या रहता है बताओ, ad बाय bc, a और ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 16 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 8 into e 3 प्लस आर डिवाइडेड बाय 3 इंटू ई 8 प्लस आर,
देखो ई और ई कैंसिल हुआ, 8 कितना 2 का, 3 कितना हुआ 4 का, तो 2 by 4 मतलब 1 by 2 is equal to 3 plus r divided by 8 plus r. सॉल्व करो जल्दी से कितना आता, 8 plus r is equal to कितना आता बताइए, 3 into 2 कितना हो जाएगा बताओ 6 plus कितना 2r, 8 minus 6 कितना 2, 2r minus कितना आ जाएगा r, r की वैल्यू कितना आया बताइए 2. अगर स्मॉल r की वैल्यू 2 आया तो कोई भी वन इक्वेशन में पुट कर दो यहां पे, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगा बताइए, e की वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए e की वैल्यू. यहां पे सॉल्व करता हूं, देखो 12 is equal to कितना 3 into e divided by 8 plus 2 is 10, r की वैल्यू कितना, सॉरी r की वैल्यू 2, तो 3 plus 2 is 5. तो यहां पे कितना आ जाएगा देखो, e is equal to कितना आ जाएगा देखिए, 3 कितना होता है 4 का, 5 4 कितना आ जाता है 20, तो योर आंसर इज e की वैल्यू 20 वोल्ट और स्मॉल r की वैल्यू कितना मिला. तो एक सिंपल याद रखना है, मैंने फार्मूला पढ़ा था VA माइनस VB मतलब ही ये भी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और V का फार्मूला E इनटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R. तो इसके अक्रॉस में क्या दिया था वोल्टेज और किसकी वैल्यू दिया था R, बाद में अगेन क्या बोला इसके अक्रॉस में वोल्टेज और अगेन वैल्यू क्या दिया बताइए कैपिटल R. अरे दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो स्मॉल r मिल गया, स्मॉल r की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर देना आपको क्या मिल जाएगा कैपिटल R. समझ में आया क्या सबको? तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे. यहाँ पे क्या दिया है ध्यान देना, करंट दिया 4 एम्पियर जब दो सेल, एक का वोल्टेज है 18, उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r सीरीज में हो, और सेकंड दिया है 3 एम्पियर दो सेल 18 वोल्ट और r जो कैसे हो पैरेलल हो. तो पहले हम डायग्राम बना लेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाना, 18 वोल्ट और कितना है बताइए ये हुआ कितना प्लस माइनस कितना हुआ बताओ 18, उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r, सेकंड अगेन कितना है बताइए प्लस माइनस 18 और उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, दो सेल सीरीज. अभी हमें पता है यार इसके अक्रॉस में हमेशा कौन सा रेजिस्टेंस रहता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. अभी यहां पे देखो, अभी ये कैसे है पैरेलल है, पैरेलल है मतलब क्या करना है बताइए, ये हुआ प्लस माइनस कितना हुआ 18 वोल्ट, उसके साथ स्मॉल r, यहाँ पे हुआ प्लस माइनस कितना हुआ बताओ 18 वोल्ट, उसके साथ क्या हुआ स्मॉल r पैरेलल है, और उसके अक्रॉस में हमेशा उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या रहेगा बताइए कैपिटल R. सर ये करंट कहाँ से भेजना, सर करंट भेजना हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो ये कैसे जाता है निगेटिव निगेटिव, देखो निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट ऐसे जाएगा पहला कितना है 4 एम्पियर, देखो निगेटिव टू पॉजिटिव लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितना 3 एम्पियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो पहले सॉल्व कर लेंगे, देखो इधर से प्लस ऐसे गया तो प्लस और इधर से भी प्लस, प्लस प्लस मतलब एडिशन, तो 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 18 प्लस 18 हो जाएगा कितना 36 वोल्ट, और स्मॉल r की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 स्मॉल r, और ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस है बताइए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे तभी मैक्सिमम प्रॉब्लम कवर होंगे और आपके लिए वो अच्छा रहेगा. अभी देखो यहाँ पे प्लस प्लस है और वोल्टेज की वैल्यू सेम है तो एक ही वोल्टेज बता देना, प्लस माइनस कितना 18 वोल्ट और स्मॉल r पैरेलल में स्मॉल r / 2, और ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस बताया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, और करंट कितना बताया 3 एम्पीयर. तो क्या सिंपल करंट I इज इक्वल टू V / R, बताओ करंट I कितना है बताइए 4, करंट I इज इक्वल टू V कितना 36 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ये 9 हो जाएगा तो कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल टू 9 हो गया. ठीक है, यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय इसका एडिशन कैपिटल R प्लस स्मॉल r / 2, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r / 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 3 कितना 6 का. अभी देखो ये और ये इक्वेशन अभी सॉल्व करना आता है, तो भाई इससे ये इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दो तो 2R - R / 2 9 - 6 कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 3R / 2, योर आंसर इज 2. स्मॉल r की वैल्यू मिला यहाँ पे पुट कर दो, स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कैपिटल R प्लस 2 / 2 इज इक्वल टू 6, तो कैपिटल R इज इक्वल टू कितना 5. तो प्रॉब्लम बहुत इजी रहता है, क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान देना, करंट की वैल्यू दिया दो सेल सीरीज में, करंट की वैल्यू दिया दो सेल पैरेलल में, करंट I इज इक्वल टू V / R, दोनों इक्वेशन करके स्मॉल r की वैल्यू मिला और स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो किसकी वैल्यू मिला कैपिटल R की वैल्यू मिला. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये बताया कि n आइडेंटिकल सेल है उसमें से एक सेल सेम पोलैरिटी का है और सेकंड आइडेंटिकल सेल n आइडेंटिकल सेल है उसमें से एक सेल अपोजिट पोलैरिटी का है,
तो उसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या रहेगा। तो पहले एन आइडेंटिकल सेल बना लेते हैं। एन आइडेंटिकल सेल मतलब आप जानते हो कितना प्लस माइनस ई के साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यहाँ पे भी कितना प्लस माइनस ई के साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर। देखो एक सेल कैसे बताए सेम, सेम मतलब प्लस है, तो यहाँ पे कितना प्लस और माइनस इसके जैसा ई के साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये हुआ एक सेल। उसने कहा और nth सेल है, n आइडेंटिकल मतलब n आइडेंटिकल प्लस माइनस कितना होता है इसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर, n हुआ उसमें से एक है सेम पोलैरिटी का। सेकंड उसने बोला n है उसमें से एक है अपोजिट, अपोजिट मतलब यहां पे कितना रहेगा बताइए प्लस माइनस कितना रहेगा e उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यहां पे भी कितना रहेगा बताइए प्लस माइनस e उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अभी नेगेटिव ये, नेगेटिव ये पॉजिटिव, उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ध्यान है क्लियर। और अप टू कितने बताए, अप टू है n मतलब प्लस माइनस ही उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर। और ये जो भी नेटवर्क रहता है हमेशा कनेक्टेड कैसे रहता है बताओ, अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये कनेक्टेड रहता है हमेशा कैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे बताए कैपिटल। अभी देखो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल मतलब ये रहेगा ए पॉइंट, ये रहेगा बी पॉइंट, ये रहेगा ए पॉइंट और ये रहेगा बी पॉइंट। मतलब आपको पूछा VA माइनस VB, मतलब आपको पूछा VA माइनस VB जब सेम पोलैरिटी में है या अपोजिट पोलैरिटी में है। तो देखो इसके अक्रॉस में देखेंगे, देखो ये A पॉइंट और यहाँ पे क्या है बताइए प्लस माइनस कितना है बताइए उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर और ये पॉइंट है, ताकि ये सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है तो करंट कैसे जाएगा निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट कैसे जाएगा निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस में करंट होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या रहेगा आई इंटू स्मॉल आर, लेकिन मुझे वी ए माइनस वी बी लगाना है तो केवीएल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वोल्टेज क्या रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या रहेगा निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या रहेगा पॉजिटिव, और लास्ट वोल्टेज कितना आ जाएगा बताओ निगेटिव। तो बोलो कितना वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट याद रखना, इसके अक्रॉस में हमको मिला वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये आपको आंसर मिला। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, देखो ये A पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट ये निगेटिव ये पॉजिटिव उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर और ये पॉइंट भी। सर यहाँ पे दिक्कत होती है सबको, सर करंट कैसे पता है। देखो ये सर nth में से एक ही है जो भी सेम है, इसके साथ माइनस और प्लस अगर कैंसिल हुआ तो करंट तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, तो उस डायरेक्शन से निगेटिव टू पॉजिटिव नहीं है ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव ये देखो n आइडेंटिकल सेल है, तो इसके साथ अगर ये आंसर हो जाएगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ऐसे आएगा, और करंट पॉजिटिव टू निगेटिव इसके अक्रॉस में वोल्टेज आई इनटू आर। अभी समझा, तो बोलो फर्स्ट वोल्टेज पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव मतलब पॉजिटिव, और माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो। तो बोलो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अगर आप उसे अच्छे से लिखे तो माइनस ई माइनस आई आर, माइनस बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा ई प्लस आई आर। तो यहाँ पे ई माइनस आई आर और यहाँ पे क्या मिला बताओ, माइनस बाहर निकाल के ई प्लस आई आर। कुछ किताब ये देखो यहाँ पे वी बी माइनस वी लिखते हैं, तो वी बी माइनस वी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा ई प्लस आई आर, क्लियर। तो ये वी ए माइनस वी बी हुआ ई माइनस आई आर, तो ये हुआ ई प्लस आई आर, लेकिन वी बी माइनस वी। तो सर लेकिन ये करंट की वैल्यू क्या रही, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रही, तो मैंने आपको कहा था ये कितने सेल है बताइए। देखो यहाँ पे तो मैंने टोटल नंबर ऑफ सेल का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था टोटल नंबर ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या था बताइए, टू एन मैंने पढ़ा था एन माइनस टू पी टाइम्स ऑफ पी। मुझे बताओ यहाँ पे एक आइडेंटिकल सेल है क्या, नहीं है ले रहे, एक आइडेंटिकल सेल है तो p की वैल्यू वन, तो यहाँ पे कितना n माइनस टू टाइम्स ऑफ e, और एक सिंगल यहाँ पे जो है ये टोटल ईएमएफ हुआ, और रेजिस्टेंस क्या रहेगा स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, कितना n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, और कितना बनेगा कैपिटल r। मतलब ये जो डायग्राम बनेगा आपका एक्चुअली क्या बनेगा ईएमएफ बताइए, ईएमएफ जो बनेगा प्लस माइनस वाला कितना कितना बनेगा n माइनस टू टाइम्स ऑफ e, और उसके साथ उसके रेजिस्टेंस कितना nr, और उसके साथ उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कैपिटल r। तो यहाँ से करंट कितना रहेगा बताइए, करंट i इज इक्वल टू रहेगा बताइए n माइनस टू टाइम्स ऑफ e डिवाइडेड बाय कैपिटल r, और ये va माइनस vb कितना मिला आपको e माइनस i इंटू r। इस i की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना आपको आंसर आ जाएगा, करेंगे इतना करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखो कितना है, देखिए यहाँ पे अपोजिट में है क्या, नहीं
लेकिन ये भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, एन आइडेंटिकल सेल है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू तो वही रहेगा, कितना एन माइनस ये वाली करंट की वैल्यू एन माइनस टू ई बाय आर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा है, मतलब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई कितना आ जाएगा प्लस आई आर, यहाँ पे वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कैसे सेम पोलैरिटी के साथ और कैसे अपोजिट पोलैरिटी के साथ, दोनों भी सर्किट में करंट की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप सेम ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे भी एक आइडेंटिकल सेल कैसे बताओ, एन आइडेंटिकल सेल सेम पोलैरिटी, यहाँ पे एन पी आइडेंटिकल सेल अपोजिट पोलैरिटी, तो यहाँ पे एन माइनस टू पी, तो पी की वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करेंगे, वन ही रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया, तो हम सेल की प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ध्यान देना 12 सेल है उसमें से 12 सेल से देखो 12 सेल है, बाद में दो सेल 12 वोल्ट और आर जिसका पोलैरिटी सेम है, उसमें से कुछ सम रॉन्गली कनेक्टेड है, बाद में वही 12 सेल है और दो सेल जो अपोजिट में है और उसमें से कुछ सम रॉन्गली कनेक्टेड है, तो उसने कहा है कि उसमें से कितने सेल रॉन्गली कनेक्टेड है जब फर्स्ट में से करंट 3 एम्पियर जा रहा हो, सेकंड में से करंट 3-2 एम्पियर जा रहा हो। तो अप्रोच करना क्या है, क्या है देखो 12 सेल है, 12 सेल में से 12 सेल है, फिर बाद में क्या है उसकी आगे और 12 वोल्ट और आगे दो सेल सिमिलरली कनेक्टेड और उसमें से कुछ सेल रॉन्गली है, सिमिलरली इसमें अपोजिट में है और उसमें से कुछ सेल रॉन्गली है, तो वो रॉन्गली है मतलब फॉर्मूला क्या है बता आपको, एन माइनस टू पी टाइम्स ऑफ ई, एन माइनस टू पी, पी की वैल्यू आप जानते नहीं है कितनी रॉन्गली कनेक्टेड है, तो पी की वैल्यू आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखो फर्स्ट डायग्राम बनाता हूं, फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे प्लस माइनस ई के साथ, प्लस माइनस ई के साथ, क्लियर है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस ई और यहाँ पे भी ई, क्लियर, आर और आर, कितने सेल है 12 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 है, 12 में से कुछ रॉन्गली है हमें जो पता नहीं है और उसके आगे और दो सेल है, उसके आगे और दो सेल है प्लस माइनस कितना ई के साथ, उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर, प्लस माइनस ई के साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस कितना है बताइए स्मॉल आर, तो ये कनेक्टेड है और आपको पता है पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस रहता है, कौन सा रेजिस्टेंस रहता है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो पहले टोटल ईएमएफ लिख लेते हैं, टोटल ईएमएफ की फॉर्मूला क्या बता, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू एन माइनस टू पी टाइम्स ऑफ कितना है पी, किसका फॉर्मूला है ये 12 सेल के लिए फॉर्मूला है भाई, 12 सेल में से कुछ सेल कैसे बताइए अपोजिट, मतलब कुछ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड पता नहीं है, तो एन की वैल्यू कितना है 12, पी की वैल्यू मुझे पता नहीं और ई की वैल्यू तो ई रहेगी, लेकिन इसके आगे और दो सेल कनेक्टेड है, देखो प्लस प्लस मतलब एडिशन, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, समझ में आया कि नहीं आया, अगर माइनस माइनस होता तो क्या लिखते थे माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई, जैसे ये अपोजिट में है तो अपोजिट में सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड के लिए ईएमएफ कितना आ जाएगा बताइए, टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा फॉर्मूला बताइए, ये आ जाएगा 12 माइनस 2पी इनटू ई, यहाँ पे माइनस 2ई, तो फर्स्ट में प्लस 2ई तो यहाँ पे माइनस 2ई, इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बताओ, इसका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बताइए, ऊपर तो कैपिटल आर है, नीचे कितने बताइए 12 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर है और इधर कितना है बताओ 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर है, तो कितना आर प्लस 14 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, यहां पे भी कितना आ जाएगा बताओ, आर इक्विवेलेंट कितना, ऊपर कितना आर है, यहां पे 12 स्मॉल आर है 2 आर है, कितना आ जाएगा आर प्लस 14 टाइम्स ऑफ आर, ये और ये सेम है, लेकिन इसमें से करंट कितना जा रहा है बताइए 3 एम्पियर और इसमें से करंट कितना जा रहा है बताइए 2 एम्पियर, तो करंट I इज इक्वल टू बताओ B कितना है, B कितना है, ये भी ही क्या नहीं है, करंट I इज इक्वल टू 12 माइनस 2P इनटू E प्लस 2 टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय कितना है R प्लस 14 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू V बाय R, V कितना है, ये है कितना है 12 माइनस 2P इनटू E माइनस कितना आ जाएगा 2E डिवाइडेड बाय कितना कैपिटल R प्लस 14 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, तो 12 है, 12 के बाद कितना 12 और देखो 12 और R और सीरीज में है, यहाँ पे 12 और R कैसे बताइए, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे अपोजिट में है भाई, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे अपोजिट में है, रेजिस्टेंस निकालना आता है, करंट I इज इक्वल टू वी बाय आर, वी बाय आर, करंट की वैल्यू पहले केस में कितना है 3, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना है बताइए, कितना है 2, तो भाई दोनों को डिवाइड कर लेंगे, देखो 2 बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
12 माइनस 2p मल्टीप्लाई बाय e माइनस 2e डिवाइडेड बाय कितना r प्लस 14 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय कितना 12 माइनस 2p टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा e प्लस 2e डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा r प्लस 14 टाइम्स ऑफ r। ये और ये क्या हुआ कैंसिल, बचा क्या देखो ऊपर से e और नीचे से e भी कैंसिल होता है, तो 12 माइनस 2p ले e और e कॉमन निकालो, e कॉमन निकालो माइनस कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2p प्लस कितना आ जाएगा बताइए। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो कितना आ जाएगा सॉल्व कर लो 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा 10 माइनस 2p, 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा बताओ 14 माइनस 2p और ये इज इक्वल टू कितना है इज इक्वल टू है 2 बाय 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 30 माइनस 6p इज इक्वल टू 28 माइनस 6 टाइम्स ऑफ p सही है 28 माइनस 4 टाइम्स ऑफ p आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे माइनस 6p उधर चला गया तो कितना आ जाएगा बताओ 2p, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए 2, तो p की वैल्यू कितना है बताओ 1। तो मतलब एक सेल जो है वो कैसे कनेक्टेड है बताइए रॉन्गली कनेक्टेड है, एक सेल कैसे कनेक्टेड है रॉन्गली कनेक्टेड है मतलब 12 सेल के बाद दो सेल जो है वो कैसे थे सीरीज में थे सेम थे क्लियर है, लेकिन 12 सेल में से कुछ सेल जो थे वो रॉन्गली कनेक्टेड थे, बाद में 12 सेल में से उसके आगे अपोजिट थे लेकिन 12 में से कुछ सेल कैसे थे रॉन्गली कनेक्टेड थे, तो रॉन्गली कनेक्टेड थे मतलब p की वैल्यू हमें आंसर कितना आया बताइए 1। सबको समझ में आया तो ध्यान देना कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं, तो अभी आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें उसने क्या कहा है, दो सेल है जो e है उसका इंटर रेजिस्टेंस r है, E है उसका इंटर रेजिस्टेंस कितना है R2 है, पहले जोड़ दो, दो सेल है दो सेल मतलब क्या है बताओ प्लस माइनस कितना E के साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल R1, बाद में अगेन बताए प्लस माइनस E के साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस कितना स्मॉल R2, समझ में आया। और ये हमेशा कनेक्टेड कैसे रहता है बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना रहता है बताओ कैपिटल R, ये एक सेल है और ये एक सेल है, उसमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन ऑफ द सेल इज जीरो देन कैपिटल आर इज, मतलब ये है यहाँ पे पोटेंशियल ये ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे कौन सा सी पॉइंट और यहाँ पे ये कौन सा डी पॉइंट, तो आप देखो यहाँ पे करंट आई बता रहे प्लस प्लस से मतलब एडिशन हो जाता है, एडिशन हो जाता है प्लस माइनस कितना हो जाता है टू ई, स्मॉल आर वन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडिशन आर वन प्लस कितना आर टू डिवाइडेड बाय एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना रहेगा बताइए कैपिटल आर। तो पहले करंट निकालो, करंट निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है, करंट आर इज इक्वल टू टू ई डिवाइडेड बाय कितना कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कितना आर, ये करंट मिल गया। अभी पोटेंशियल निकालते, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे देखो ये ए पॉइंट यहाँ पे कितना है बताइए प्लस माइनस कितना है बताइए ई, उसके साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस आर वन ये पॉइंट है बी, तो चलो बी ए माइनस वी बी की तरफ जाते हैं लेकिन करंट ऐसे जाता है निगेटिव टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव पता है आपको, तो बोलो बी ए पॉजिटिव मतलब क्या लेना है बताओ निगेटिव और निगेटिव मतलब क्या लेना है बताइए पॉजिटिव, कितना रहता है आई इंटू आर वन माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो, तो कितना हो जाता है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वन, लेकिन वी ए माइनस वी बी कितना आ गया है बताइए जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये इज इक्वल टू जीरो ना, तो ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आई आर वन, तो ई इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितना है 2 into E into R1 divided by capital R plus small R1 plus R2, E और E cancel, small solve करो जल्दी से, तो capital R plus small R1 plus R2, capital R plus small R1 plus R2 is equal to इधर कितना 2 times of R1, तो देखो यहाँ पे capital R 2 R1 minus R1 R1 minus R2, लेकिन देखो हमें R1 greater than R2 नहीं बोला, क्या बोला है यहाँ पे देखो R2 greater than R1, तो R2 greater than R1 ये कम है ये ज्यादा है मतलब R की वैल्यू नेगेटिव आएगी और रेजिस्टेंस क्या नेवर भी नेगेटिव, तो ये R1 minus R2 आंसर नहीं होगा क्योंकि R की वैल्यू क्या आ रहा है नेगेटिव। तो अभी भाई दूसरा सेल बचा ना, तो दूसरे सेल के अक्रॉस में निकालो, दूसरे सेल के अक्रॉस में कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है देखिए C पॉइंट ये है प्लस माइनस और यहाँ पे कितना है R2 बोलो, तो VA प्लस मतलब माइनस प्लस I R2 is equal to zero, तो यहाँ पे C है तो VC, यहाँ पे D है तो यहाँ पे VD, तो क्या आ जाएगा देखो तो VC माइनस रहेगा VD is equal to माइनस वही रहेगा सिंपल, यहाँ पे क्या रहेगा R2, यहाँ पे क्या रहेगा R2, यहाँ पे क्या रहेगा R2 क्लियर है, और बाद में आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा
कितना आ जाएगा यहाँ पे r प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 इज इक्वल टू 2r2, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, और प्रॉब्लम में दिया है r2 ग्रेटर देन r1 मतलब ये ज्यादा है, तो r की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, योर आंसर इज कैपिटल r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तो वहां पे दिया है टोटल नंबर ऑफ सेल दिया है 24 और वहां पे स्मॉल r की वैल्यू दिया है 0.5, एम क्या रहता है बताओ रोज रहता है, एन क्या रहता है बताओ सेल्स में सीरीज में, कैपिटल आर दिया है फाइंड एम एन एफ। हमने पढ़ा था सीरीज भी और पैरेलल भी, ये एन और ये एन था कि नहीं, तो हमने उसमें कंडीशन पढ़ा था आपको याद हो तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल मतलब एम एन इज इक्वल टू कितना दिया है बताए 24 दिया है, और हमने ये प्रॉब्लम पढ़ा था कैपिटल आर इज इक्वल टू एन स्मॉल आर बाय एन, एक कंडीशन मैंने वहां पे फाइंड किया था मैक्सिमम पावर, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर आप देख लेना है जब n सीरीज में हो और m रोज पैरेलल में हो, मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे कैपिटल R देखो, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू दिया है और कैपिटल R की वैल्यू दिया है, पूर्ण करो कैपिटल R इज 3, तो n इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय कितना है बताइए n, तो देखो 3 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू n बाय n, तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू n बाय n, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बताइए n। आप यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, कितना हो जाएगा बताओ m इनटू कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 24, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो m की वैल्यू कितना है बताइए 2, m की वैल्यू कितना रिप्रेजेंट करेंगे 2, और n की वैल्यू आपको कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे पुट करो, तो n इज इक्वल टू 6 इनटू m, तो n इज इक्वल टू 6 इनटू 2, तो n की वैल्यू कितना हुआ 12, सबसे इजी था। तो कुछ नहीं, देखो टोटल नंबर ऑफ सेल दिया था, एम एन दिया था, स्मॉल आर और कैपिटल आर कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर पता था, क्लियर है, यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू 3 स्मॉल आर की वैल्यू 0.5, तो एन बाय एम इज इक्वल टू 6, तो एन इज इक्वल टू कितना मिला 6 टाइम्स ऑफ एम, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको एन स्क्वायर 4 मिला, एम की वैल्यू कितना मिला 2, और एन यहाँ पे पुट कर देना एन इज इक्वल टू 6 एन, तो एन की वैल्यू कितना मिल जाएगा 12, मतलब कितने सेल है बताइए 12 और कितने पैरेलल है बताइए 2 है, समझ में आया। द नेक्स्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना दिया है बताइए 24, स्मॉल आर की वैल्यू कितना दिया है 2 ओम, लोड रेजिस्टेंस मतलब ये रहता है कैपिटल आर, क्लियर है, हमेशा मैंने कहा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बोला जाता है लोड रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या है देखो ML इज इक्वल टू कितना है ML इज इक्वल टू 24, कैपिटल R इज इक्वल टू n स्मॉल r बाय m, कैपिटल R की वैल्यू है 10, n इनटू स्मॉल r की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय m, तो n बाय m इज इक्वल टू कितना मिला 5, तो n इज इक्वल टू मिला 5m, यहां पे पुट करो तो m इनटू कितना हो जाएगा बताओ 5m इज इक्वल टू 24, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8, तो m स्क्वायर 4.8 मतलब आपकी m की वैल्यू लाइज होंगी 2 एंड 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में किसकी वैल्यू लाइज होगी m की वैल्यू, तो आंसर में लिख के रहना m की वैल्यूज लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3, तो समझ में आया, जब n सीरीज में हो और m पैरेलल में हो तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर सबसे इंपॉर्टेंट, बोलो कैपिटल R इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाय स्मॉल m, बोलो एक बार कैपिटल R इज इक्वल टू एन स्मॉल r डिवाइडेड बाय कितना कैपिटल m, सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में और एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, कि एक प्रॉब्लम में ऐसे दिया था कि एक सेल दिया था, ध्यान देना एक सेल दिया था उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया था और उसके अक्रॉस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल r, और यहाँ से बोला था अल्फा करंट जा रहा है, तो करंट अल्फा इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय कैपिटल r प्लस स्मॉल r, पता है ना r इज इक्वल टू v बाय r, बाद में इसी सेल को उसने कैसे कनेक्टेड किया ध्यान देना e के साथ r, e के साथ r, यहाँ पे बताया था e स्मॉल r और उसके अक्रॉस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बताया था कैपिटल r, और उसने बोला था यहाँ से करंट जा रहा है बीटा, देखो प्लस प्लस होने के कारण क्या हो जाएगा एडिशन, तो e प्लस e कितना हो जाएगा बताइए 2 टाइम्स ऑफ e, और स्मॉल r कितना बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, और ऊपर कितना हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल r, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है बीटा, तो बीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा बीटा इज इक्वल हो जाएगा 2e डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल r प्लस कितना कैपिटल r, समझ में आया, यहाँ पे सबको क्लियर है आपको क्या बताया क्या नहीं, क्लियर, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखना कैपिटल r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू e बाय अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ऐसे लिखना 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल r इज इक्वल टू 2e बाय बीटा, ये दो इक्वेशन आपको मिला,
तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ऐसे सवाल वो पूछता है, तो इसमें से इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि r माइनस r क्या हो जाता है, कैंसल, और 2r माइनस r कितना हुआ, r इज इक्वल टू 2e बाय बीटा माइनस कितना हुआ बताइए, e डिवाइडेड बाय अल्फा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू ये मिला। समझा मैंने क्या किया, तो देखो e के साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट कितना अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय कैपिटल r प्लस स्मॉल r। बाद में क्या बोला, ये जो था ये दो कनेक्टेड किया, तो e e 2e बन जाएगा, r r 2r बन जाएगा, यहाँ से बीटा आ जा रहा है, तो करंट r इज इक्वल टू v बाय r, तो यहाँ से कैपिटल r प्लस स्मॉल r निकाला, यहाँ से 2r प्लस कैपिटल r निकाला, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि कैपिटल r मुझे रिमूव करना था, तो स्मॉल r की वैल्यू ये मिला। और एक था यहाँ पे, और एक उसने बताया कि कैपिटल r जो था, ध्यान देना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल r के साथ अभी दो सेल पैरेलली कनेक्टेड किया, मतलब प्लस माइनस e के साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r, अगेन यहाँ पे प्लस माइनस e के साथ उसका इंटर रेजिस्टेंस कितना स्मॉल r। अभी क्या करेंगे बताइए, सेल सेम है तो e और e, तो e रहेगा यहाँ पे, प्लस माइनस कितना रहेगा e, r और r कितना बन जाएगा बताइए, r बाय टू, इसके अक्रॉस में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना रहेगा कैपिटल r, और उसने बोला था यहाँ से करंट जा रहा है डेल, तो डेल इज इक्वल टू कितना रहेगा बताओ, e डिवाइडेड बाय कितना रहेगा बताओ, कैपिटल r प्लस स्मॉल r बाय टू। तो यहाँ से आपको क्या निकालना था बताइए, कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय टू इज इक्वल टू E बाय डेल, समझ में आया, E बाय डेल। तो बाद में उसने क्या किया, देखो यहाँ से और यहाँ से, देखो इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट करो, तो R माइनस R कितना हुआ जीरो, R बाय टू माइनस R, या इसे करो R माइनस R बाय टू कितना होता है, R माइनस R बाय टू इज इक्वल टू कितना, E बाय अल्फा माइनस E बाय डेल, तो ये कितना हो जाता है बताइए, r बाय टू इज इक्वल टू e बाहर निकालो, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन कितना आ जाता है बताइए डेल, तो 2 इधर चला गया, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना 2e 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन कितना डेल। तो उसने कहा देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में एक ही सेल था, सेकंड प्रॉब्लम में दो सेल था, थर्ड प्रॉब्लम में पैरेलल में था, करण अल्फा बीटा और डेल, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो यहाँ से निकाला स्मॉल आर, इन दोनों फर्स्ट को सॉल्व करके, बाद में फर्स्ट और लास्ट सॉल्व करके क्या निकाला बताइए, स्मॉल आर, अभी स्मॉल आर और स्मॉल आर की वैल्यू आप इक्वेट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा बताइए, टू ई डिवाइडेड बाय कितना बीटा, यहाँ से ई निकालो, ई निकालो बाहर, तो ई बाहर निकालेंगे तो टू डिवाइडेड बाय बीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा देखिए, 2e कितना आ जाएगा बताओ, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन डेल, 2e क्या हुआ कैंसल, यहाँ पे e था ना, तो यहाँ पे e क्या हुआ कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बाय बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन डेल। तो आप मुझे बताओ, सब प्रॉब्लम में अल्फा बीटा और डेल आया, तो इसको सॉल्व करना है द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड डेल, तो एक दो और दोनों पैरेलल, तो फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया उसमें से स्मॉल आर निकाला, फर्स्ट और थर्ड सॉल्व किया उसमें से स्मॉल आर निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो आपको रिलेशन मिला अल्फा बीटा और डेल, समझ में आया।